बिहार पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा के ऊपर निगरानी की विशेष इकाई की टीम ने दबिश दी है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। दरअसल बिहार के भागलपुर में निगरानी विभाग की विशेष इकाई की टीम ने दबिश दी है, जहां कार्यपालक अभियंता के घर छापेमारी अभी भी जारी है। दरअसल ये पूरा मामला भागलपुर से जुड़ा हुआ है, जहाँ हाल के दिनों में ही एक बड़े पुल का हादसा देखा गया था। उसके बाद जांच टीम द्वारा लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। और अगर बात करें तो एसबीयू की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना के आधार पर मिले शिकायतों पर ये कार्रवाई की है, जिसमें कि भागलपुर के बिहार पुल निर्माण निगम के अभियंता श्रीकांत शर्मा के आवास और कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की है, जिसमें कि चल अचल संपत्ति के अलावे उनके घर से काफ़ी कागजात के भी मिलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो इन श्रीकांत कार्यपाल भ्रष्टाचार में संलिप्त श्रीकांत शर्मा के आवास से नोटों के कई बंडल लाखों रुपए के बरामद हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो इनके पास से कई स्वर्ण आभूषण और चल अचल संपत्ति का भी पता लगाने में विशेष निगरानी इकाई की टीम की जारी है। वहीं अगर गौरतलब हो कि आपको अगर बता दें कि हाल के दिनों में ही बिहार पुल निर्माण निगम के द्वारा लगातार अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें सफाई दी जा रही है, और बिहार में ये पुल के गिरने से कहीं ना कहीं हरकम सा मस्ता हुआ नज़र आ रहा है। और उसी कड़ी की अगर बात करें तो ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पे विशेष निगरानी इकाई की टीम ने आज भागलपुर के कार्यपालक अभियंता के आवास और घर पर छापेमारी की है। फिलहाल ये छापेमारी अभी भी जारी है, और भ्रष्टाचार में संलिप्त इस कार्यपालक अभियंता के आवास से काफ़ी भारी मात्रा में नोटों के बंडल और स्वर्ण आभूषण भी मिले हैं। फिलहाल ये छापेमारी जा रही है, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं। बहरहाल देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर विशेष निगरानी इकाई की टीम की छापेमारी अब भी जारी है, और इस पर अभी हालांकि कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। उनके पास से कितनी की संपत्ति, चल अचल संपत्ति अवैध रूप से जो जमा की गई है, पदस्थापित कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा के पास से कितनी संपत्तियां मिली है, अभी इसका आकलन नहीं किया गया। वहीं आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हो पा रही है। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो अभी भी छापेमारी जारी है, और लगभग इनके पास से जितने भी संपत्ति मिले हैं उसकी जाँच अभी भी जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।